बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तीन मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है। ए है 3-1, 0, 2, बी है 1, 2, सी है -1 और 1। ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है हमें। पहले मैं लेफ्ट साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी। सबसे पहले मैं बी प्लस सी फाइंड करता हूँ। बी प्लस सी इक्वल टू बी का मैट्रिक्स जो के है 1, 2, प्लस सी का मैट्रिक्स जो के है -1 और 1। दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है तो सिंपल 1 प्लस -1 हो जाएगा और ये 2 प्लस 1 हो जाएगा। इस इक्वल टू 1 प्लस माइनस से माइनस आता है, सो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2 प्लस 1 से आता है 3। ये आ गया बी प्लस सी से। अभी मैं लेता हूँ ए इंटू बी प्लस सी, सो ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए का मैट्रिक्स जो के है 3-1, 0, 2 इंटू बी, ए बी प्लस सी का मैट्रिक्स जो हमने फाइंड कर ली है जो है 0 और 3। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मेबल है या नहीं। सो पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स जो के है 1, 2 कॉलम्स है इसमें, और दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ 1, 2 दोनों बराबर है। सो ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मेबल हैं। सो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू, इस मैट्रिक्स में हम रो वाइज जाएंगे और इस मैट्रिक्स में कॉलम वाइज। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको 3 × 0, दरमियान में प्लस, -1 × 3। इसी तरह दूसरा रो में लेता हूँ इस मैट्रिक्स का 0 × 0 प्लस 2 × 3। सो ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू थ्री जीरो जार जीरो प्लस -3, 3 1 जार 3, 0 0 जार 0 प्लस 2 3 जार 6। सो इससे आ जाएगा ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू 0 − 3 से आता है -3 और 0 + 6 से आता है 6। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड लेता हूँ जो के है ए बी प्लस ए सी। पहले मैं ए बी का मैट्रिक्स मालूम करूँगा, इसके बाद ए सी का, फिर दोनों में प्लस करूँगा। पहले मैं मालूम करता हूँ ए बी, ए का मैट्रिक्स जो के है 3-1, 0, 2 और बी का मैट्रिक्स जो हमारे पास है 1, 2। इसी तरह ए बी इक्वल टू इस मैट्रिक्स के कॉलम्स जो 1, 2 कॉलम्स हैं और इस मैट्रिक्स के रोज़ जो 1, 2 दोनों बराबर हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मेबल हैं। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ बिल्कुल उसी तरह, इसमें रो वाइज जाएंगे और इसमें कॉलम वाइज। सो 3 × 1
दरमियान में प्लस, माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टू। फिर मैं सेकंड रो लेता हूँ जो है ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई वन प्लस टू मल्टीप्लाई बाई टू। सो ए बी इक्वल टू थ्री वन ज़ार थ्री प्लस माइनस माइनस टू वन ज़ार टू, ज़ीरो वन ज़ार ज़ीरो प्लस टू टू ज़ार फोर। तो इससे आ जाएगा थ्री माइनस टू वन, ज़ीरो प्लस फोर से आता है फोर। तो ये हमारे पास आ गया ए बी का मैट्रिक्स। अभी मैं ए सी का मैट्रिक्स फाइंड करता हूँ। ए सी इक्वल टू ए का मैट्रिक्स थ्री माइनस वन ज़ीरो टू इंटू सी का मैट्रिक्स जो है माइनस वन और वन। दोनों मैट्रिसेस को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। सो ए सी इक्वल टू इस मैट्रिक्स में रो वाइज और इस मैट्रिक्स में कॉलम वाइज हम आएंगे। सो थ्री मल्टीप्लाई बाई माइनस वन प्लस माइनस वन मल्टीप्लाई बाई वन, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई माइनस वन प्लस टू मल्टीप्लाई बाई वन। सो ए सी इक्वल टू थ्री वन ज़ार थ्री माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस, वन वन ज़ार वन, ज़ीरो वन ज़ार ज़ीरो प्लस टू वन ज़ार टू। सो इससे आ जाएगा माइनस फोर और ज़ीरो प्लस टू से आता है टू। ये हमारे पास आ गया ए सी का मैट्रिक्स। अभी ए बी और ए सी दोनों मैट्रिसेस ऐड करने हैं। सो ए बी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी से आ गया है वन फोर प्लस ए सी से आ गया है माइनस फोर और टू। सो ए बी प्लस ए सी इक्वल टू वन प्लस माइनस फोर, फोर प्लस टू। इससे आ जाएगा वन माइनस फोर माइनस थ्री, फोर प्लस टू सिक्स। तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का आंसर चेक कर लें तो उससे आया था माइनस थ्री और सिक्स, और राइट हैंड साइड से भी आया है माइनस थ्री और सिक्स। दोनों का आंसर सेम है। सो ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये हमारे पास वेरीफाई हो गया।